व्हाट्स अप गाइस, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। तो लोकेशन चेंज की यार वजह ये है कि जो हमारे जहाँ सामने मकान था, जहाँ पे पता है गाड़ी वगैरह भी खड़ी होती है और जानवर वगैरह भी लाए थे कुर्बानी के लिए, तो उसकी चाह रही है रेनोवेशन, उसको गिरा के दोबारा मकान एक नया बना रहे हैं। वहाँ पे एक खाता टाइप बना रहे हैं, पार्किंग और इन्हों वैसे ही फन स्टॉप के लिए एक डेरा टाइप बना रहे हैं। तो फिलहाल ये घर के पास एक एरिया है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी खड़ी होती है और बाइक्स भी। तो अभी गुजरात की तैयारी थी तो अपना बाइक लेने आया था वो, तो चलते हैं। और आपके भाई का पासपोर्ट भी बन के आ गया तो वो भी रास्ते में पिक करना है। तो गर्मी बहुत शदीद है, गाड़ी वगैरह गी हुई है, रावलपिंडी गी हुई है। तो अबू और चाचू ने जाना था काम, तो होंडा से भी गी हुई है रावलपिंडी। तो फिलहाल चलते हैं, जल्दी से 1-5 निकालते हैं और चलते हैं गुजरात। मच लेटर। ओए होए होए प्रो मैक्स आर्मी, ओए होए आज लील हो गए। सुबह की लाइट बंद थी यहाँ पे एकेडमी में, इतना गंदे पसीना और इतनी गंदी गर्मी जिसका कोई हिसाब नहीं। आज हमें जल्दी छुट्टी हो गई है, तो जाते हुए मैंने पासपोर्ट नहीं था पिक किया क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा था। तो अभी चेक करते हैं रत्सी। तो जी नादर ऑफिस आ गए हैं, तो फिलहाल यहाँ छाऊँ में बाइक मैंने लगाई है, अंदर रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। तो मैं आपसे पासपोर्ट कलेक्ट करके मिलता हूँ, तो जल्दी से चलते हैं, गर्मी बहुत शदीद है आज। Few inches later. भाई इतने को बड़े पागल के बच्चे हैं ना ये नादर ऑफिस वाले, आराम खाते रहेंगे, लाल नहीं इनको बचता भाई। बात तो सही है। तो हाँ, बात मैं ये कह रहा था, जिस दिन अब मैं गया था 1 अगस्त को अपना पासपोर्ट बनवाने, तब मैंने देखा था कि जो नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने वालों की तादाद है ना, वो अर्जेंट वालों से बहुत ज़्यादा थी। अर्जेंट कोई नहीं था बनवा रहा, बिकॉज 15 डेज में आ रहा था, तो किसको इतनी जल्दी पड़ी थी। तो मैंने भी सारी बात नॉर्मल पासपोर्ट ही अपना बनवाया था, तो मेरी ना तकरीबन 21 को मुझे पासपोर्ट मिल जाना था, लेकिन आज मैं 23 अगस्त को जा रहा हूँ पासपोर्ट लेने, और आज वो कहते हैं कि डिलीवरी टाइम 15 डेज से हट के 35 दिन हो गया। तो ना मुझे शदीद गुस्सा इन पे चढ़ा ना, मैं मेरे पेपर पे 21 लिखा है, कम से कम मुझे तो देना पासपोर्ट। कहते हैं नहीं 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 पॉलिसी चेंज हो गई, मैं तो अब कब मिलेगा पासपोर्ट। तो कहते हैं जी अब 3-4 सितंबर को मिलेगा। मैं आप लोगों ने सही दिमाग ख़राब किया हुआ है, बंदे को जलील करने पर आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है। खैर छोड़ो, इनको जितनी मर्जी सुना लो, इनके पेटों में जब तक पैसे पड़ रहे हैं ना, इनको और किसी चीज़ की परवाह नहीं। Later that same evening. तो जी फाइनली जिम आ चुके हैं, और व्लॉग्स का यार ये सीन है कि कंटिन्यूसली व्लॉग नहीं करने हो रहे, जैसे आपको पता है यार घर मिस्त्री वगैरह भी लगे हुए हैं, और आज शोल्डर है, तो आपके भाई का समझ लें वीक ये सेक्शन है बॉडी का, तो वो भी कोई नहीं, इंशाल्लाह टाइम के साथ सही हो जाएगा। वो जल्दी से सबसे पहले वार्म अप सेट लगाते हैं, उसके बाद फिर मेन सेट्स की तरफ आएंगे। Few inches later. तो अब चलते हैं फर्स्ट ट्रेनिंग की तरफ। तो फर्स्ट ट्रेनिंग में मैं 3 सेट बनाऊंगा डंबल्स के, और उनसे हम करेंगे अपने ट्रैप्स की ट्रेनिंग। ये चीज़ जो होती है इन चीज़ की ट्रेनिंग करेंगे। तो जी ये 3 सेट बनाया मैंने डंबल्स के, फर्स्ट फिर सेकंड और फिर थर्ड। यार व्लॉगिंग के साथ ना गेम इतने मज़े की नहीं लगती, यही वजह मैं जिम में कहूँ व्लॉग्स करता हूँ। तो मैं जल्दी से गेम ख़त्म कर लूँ और फिर होती आप लोगों से मुलाकात। तो जी गेम ख़त्म हो गई है, मैं बस जल्दी से अपने वेट्स वगैरह संभाल दूँ, तो फिर इंशाल्लाह चलते हैं। तो जी गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद है, गेम वगैरह सारी अल्हम्दुलिल्लाह लगी है, तो जल्दी से चलते हैं शॉप पर, क्योंकि जिस तरह बताया था कि अबू गेम है रावलपिंडी, तो अभी शॉप पे चलते हैं, शॉप वगैरह क्लोज करवाएंगे शाम को, तो फिर घर चलेंगे। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो जी शॉप से घर आ चुके थे, और इस वक्त रात का टाइम है, तो और चाचू भी आ गए हैं,
वापस, तो ये इसी जगह पे गाड़ी वगैरह आप खड़ी कर रहे हैं, उधर खड़ी कर देंगे। तो मौसम यार बहुत ज़्यादा मज़े का, कसम से चेक करें हो, पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं, नहीं बल्कि कुछ भी नज़र आ रहा। तेज़ हवा चल रही है, बारिश भी शायद थोड़ी देर तक हो जाए और बादल भी गरजने लगे हुए हैं, तो काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। जितनी गर्मी आज थी ना, ओए होए होए, इस तरह का मौसम तो बनता है फिर। हेलो, द नेक्स्ट डे। तो जी यहाँ तक काम पहुँच के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा घर गिर चुका है, और अब ईंटें साफ करके यहाँ पे लगाई जा रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी ईंटें हो चुकी हैं यहाँ पे भी। भाई साहब ड्रैगन फ्लाई चेक करो, ओए होए 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 होए, ड्रैगन फ्लाई की पूरी फौज आ गई है, क्या बात है। तो जी ये प्रोग्रेस है फिलहाल की, वाह 50-60 साल पुरानी ईंट है ये, ओए होए होए होए, क्या बात है भाई, वजनी फुल है भी। ये दीवारें वगैरह उतरेंगी ना तो ये इंशाल्लाह मज़ीद खुला हो जाएगा, तो बड़ा बेहतरीन सा इंशाल्लाह यहाँ पे भी सिस्टम बन जाएगा। तो यार मैं इधर वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, काफ़ी बिजी था इसलिए मेरे पास आया, टाइम नहीं था यार, तो फिलहाल अभी भी काम वगैरह निकले हुए थे। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप लोग से अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, अल्लाह।